वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों के लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मुकेश चंद्राकर का जगह जगह वार्डवासियों द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। मुकेश चंद्राकर के पक्ष में प्रचार प्रसार करने युवाओं महिलाओं की टोली निरंतर कार्य कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुकेश चंद्राकर के पक्ष में विभिन्न वार्डों में सभाएं भी ली जा रही है, जिसे बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिमा चंद्राकर, नीता लोधी, जानिसार अख्तर और अमित जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना था कि छत्तीसगढ़ में हम सब प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं और सब एक दूसरे के से भाईचारा है। मुकेश चंद्राकर और चंद्राकर परिवार का जमीन यहाँ पर है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग कहाँ बाहर के हुए, यहीं के हैं और यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। और अभी तक से जो जो इन लोग फैला के रखे थे वो हिंदुत्व की बात करते थे, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने बता दिया कि भगवान राम के जो नाम लेने वालों को भी किस तरह से उन्होंने राम गमन पथ बनाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के संस्कृति को धर्म को जोड़ा है, उससे अब इनकी मोह बंद हो गया है। इसलिए जो यहाँ पर जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी और आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, तो उसको हम उस किले को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, भेदने जा रहे हैं और बहुत प्रचंड बहुमत से यहाँ से अपनी जीत हासिल करेंगे। यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ सब लोग कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद काम कर रहे हैं, यहाँ के जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब निकल कर हमें कांग्रेस को जिताना है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनाना है। ये अब सबके मन में आ गई है, क्योंकि पूरा विश्वास होने लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री ही इस प्रदेश का विकास कर सकते हैं। और मुकेश चंद्राकर जी संगठन से हैं और जिस तरह से संगठन को उन्होंने जोड़ कर रखा है, तो सारे कार्यकर्ता जो हमारे निचले स्तर के हैं और जो हमारे सभी विंग के जो वो हैं कार्यकर्ता, सभी क्रेडर वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं। और मुझे कहीं नहीं लगता कि हम इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और वैशाली नगर का जो भ्रम है कि यहाँ पर आरएसएस गढ़ है या बीजेपी ही जीतती है, उसको हम इस किला को भेद कर विजय हासिल करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है चंद्राकर जी? लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं दाऊजी को याद कर रहे हैं, माननीय भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं, इस परिवार को याद कर रहे हैं, मुकेश चंद्राकर जी की सरलता को याद कर रहे हैं और उनको मतलब दोनों प्रत्याशी में कंपेयर कर रहे हैं कि मुकेश चंद्राकर एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी है और साथ में रिकेश सेन जो जिस तरह से उसकी वो है उसको कंपेयर करके लोगों को लगने लगा है और बुद्धिजीवियों को भी लगने लगा है कि अब मुकेश चंद्राकर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हम नेतृत्व कर सकता है। इसलिए उनका भी मौन उनका भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इतने दिन के मेरे कैंपेनिंग में कहीं पर ये बात नहीं आई है कि वो बाहरी है, ये बात कहीं नहीं आई है, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसको तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है और सारे कार्यकर्ताओं ने किया है। खूब बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सभी समाज का, महिलाओं का, नौजवानों का और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। कारण ये है कि 15 साल का जो सूखा पड़ा था और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार पिछले बार बनी थी और 70 सीटों पे बनी थी, इस बार हमारे मुखिया बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 75 पार करेंगे, तो वैशाली नगर जो है इस बार हमारी 76वीं सीट रहेगी। ये आशा और उम्मीद सारे लोगों को है, क्योंकि ये पिछड़ गया था क्षेत्र। दो बार के विधायक दिवंगत जी रहे हैं भसीन जी, एक बार के विधायक वो रही हैं सरोज पांडे जी, लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ा है 15 साल से कांग्रेस के लिए। इसलिए जनता ने मूड बना लिया कि जब सरकार बन सकती है कांग्रेस की तो ये भी सीट हम जीत के देंगे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। पहले भाजपा के तथाकथित प्रत्याशी द्वारा ये अफवाह उड़ाई गई थी कि बाहर से कांग्रेस के प्रत्याशी को लाया गया, जिसमें लोगों ने एकदम से उस बात को नकार दिया है, क्योंकि आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी की जो छवि है, जो सरलता है, जो सौम्यता है, उस पे और उनके निवास पे, उनके घर में जब कोई लोग जा रहे हैं तो उनको जब आदर सत्कार और प्रेम मिल रहा है, उनके घर में
खुला दरवाजा है कि आधी रात को भी कोई आ सकता है। और वहीं दूसरी ओर जब मुकेश चंद्राकर जी के अलावा रिकेश सेन के घर में जब जा रहे हैं तो बड़ा बड़ा सीसीटीवी कैमरा उनको कैप्चर कर लेता है और गार्ड से पूछने पे कहता है कि मना कर देता है कि यहाँ पे रिकेश सेन जी नहीं है, और अंदर जाने की कोशिश करने पे वहाँ कुत्ते को छोड़ दिया जाता है। तो वैशाली नगर की जनता ऐसे कुकुर घुमैया और फूल चुरैया को ना चुनते हुए सरल सौम्य मुकेश चंद्राकर जी को चुनेगी और इसका हमें पूरा विश्वास है। जी बताएंगे भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने हमेशा महिलाओं के हित के बारे में काम किया है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोरोना के बाद महिला स्वयं सहायता समूह का ऋण माफ किया गया था। महिलाएं नरवा गरवा गुरुआ बारी के प्रोजेक्ट में काम करके आत्मनिर्भर हो रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार होना कम हुआ है, अपराधी की श्रेणियां कम हुई हैं। और आपने देखा कि तिजापोला के अवसर पर सहृदय छत्तीसगढ़ की महिलाएं सीएम साहब के घर जाती थी और अपने भाई के घर, भाई के आंगन में अपना तीजा का त्यौहार मनाकर आती थी। समय समय पर महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाता रहा है पिछले 5 सालों में। और इस साल दिवाली के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारी माताओं बहनों को एक उपहार दिया है, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत ये 15,000 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे और सीधा सीधा लाभ इनको मिलेगा। और साथ ही साथ सिलेंडर वाली जो बात है कि 500 रुपये उनको सब्सिडी मिलेगी, वो भी सीधे खाते में जाएगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के लिए जो योजनाएं लाती है और उनको लाभ देती है, वो लाभ सीधे हितग्राही के खाते में जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं, जुमलेबाजों जैसा नहीं, जो केवल नौटंकी करते हैं और शिवगुफा छोड़ते हैं, झांसा देते हैं, लोगों को छलने का काम करते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे सबके खाते में, कहाँ आए, आज 9 साल होने को गए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कहा था नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, कहाँ आया काला धन। ये केवल जुमलेबाजों की सरकार है, ये महिलाएं भली भांति जानती है। आप बात कर रहे थे इनकी महतारी बंधन योजना की, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना नहीं चली और ये केवल छलावे के रूप में ये फॉर्म भरवा रहे थे। ये फॉर्म में न कोई इनका क्रमांक नंबर था, न ही ये किसको इंडोर्स किए थे ये बात भी नहीं लिखी हुई थी, न ही जिन महिलाओं से फॉर्म बांटे जा रहे थे उनका अकाउंट नंबर भी नहीं लिया जा रहा था। ये केवल और ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो अभी प्रथम चरण में जो 20 विधानसभा के चुनाव हुए हैं इस प्रकार का फॉर्म वहाँ नहीं भराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जब जान चुकी है कि ये 20 की 20 विधानसभा सीट प्रथम चरण की हार रही है तो इन लोगों ने ये नया तमाशा चालू किया है फॉर्म भरवाने का। पर मैं ये बता दूं, हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें बहुत सजग हैं, बहुत आत्मनिर्भर हैं और बहुत स्वाभिमानी हैं। ये इनके झांसे में आने वाली नहीं, जिस प्रकार 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मुखी खानी पड़ी थी उसी प्रकार इस बार भी सभी माताएं बहनें, युवाओं, किसानों, सारे लोगों का मत कांग्रेस को जाएगा क्योंकि महिलाओं को विश्वास है कांग्रेस पार्टी पे।